जब वो और बेटे के पास आ चुके हैं और नाश्ता कर रहे हैं। हम लोग आ चुके हैं गाज़ियाबाद और नाश्ता हो गया है और जो सामान मैं लेकर आई थी गुंजन कर रही है उसको सेट, किचन साफ़ कर रही है। हम दोनों मिलकर जल्दी जल्दी सारा काम ख़त्म कर लेंगे, उसके बाद हम बैठकर बातें बातें करेंगे। जल्दी जल्दी मिलकर सारा काम ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद लंच की तैयारी भी करनी है और आज बुलबुल और सहदेव भी आएँगे यहीं पर ही, तो हम सब लंच साथ में ही करेंगे। सारी सब्जी और फ्रूट्स को मैंने धो के रख दिया है, बाकी सारा सामान भी अनपैक कर लिया है। ये कर रही है चेयर साफ, इन पे थोड़े से पेंट के निशान थे, वो पेंट के निशान कर रही है गुंजन साफ। गीले कपड़े से काफ़ी मुश्किल से उतरते हैं पेंट के जो निशान होते हैं, तो मैं जो स्टील वाला जूना होता है बर्तन साफ करने वाला उससे मैंने ये निशान उतारे और इससे बहुत ही इजीली ये निशान उतर जाते हैं। कोई बात नहीं, इतने तो चलते हो। मतलब जैसे कभी मामा जी आए तो यहाँ जाओ, यहाँ मेट्रो वहां से सीधा उसके कॉलेज। अब हो रही है लंच की तैयारी, ये मैं प्याज काट लेती हूँ। आज में हम बनाएंगे छोले, चावल और रोटी।
उसको नहीं बैठा था जूते रखे ना आपको नहीं बैठा था जूते ना जाजूते रखे मेरे को बैठ सकता हूँ इतना आराम से ऐसे खाओ हाँ उसे नमक चाहिए सिर्फ इसका हाँ बस सबने लंच कर लिया है। अब हम तीनों भी लंच कर रहे हैं। ये मेरी बहू और बेटी है और ये टुक टुक है। ये खेलते खेलते ही खाती है, एक जगह बैठ के तो बिल्कुल भी नहीं खाती है कुछ। जल्दी जल्दी खाना खा लेते हैं, उसके बाद काम ख़त्म करके हमें जाना है टुक टुक की दादी से मिलने हॉस्पिटल। वो हॉस्पिटल में एडमिट है क्योंकि उनके दोनों घुटने का ऑपरेशन हुआ है। टुक्कू कहाँ जा रहे हैं हम? कहाँ जा रहे हैं हम? टुक टुक अपनी दादी से मिलने जा रही है। चलो तो हम लोग जा रहे हैं DLF मॉल ऑफ इंडिया नोएडा।
अच्छा लग रहा मम्मी लेना। अभी हम लोग आए हैं होम सेंटर में। बुलबुल को अपने घर के लिए कुछ क्रॉकरी वगैरह लेनी थी तो उसके लिए हम होम सेंटर आए हैं। और ये टुकटुक को नींद आ रही है तो टुकटुक को सुला दिया है बेड पर। मैं खुद भी बहुत थक गई थी तो मैं भी आराम कर लेती हूँ। हम लोग आ गए हैं डिनर करने इंदिरापुरम हैबिटेट सेंटर में। तो खाना आ चुका है और यहाँ का खाना बहुत ही अच्छा है। हम लोग आए हैं हैबिटेट सेंटर में हीरा स्वीट्स पर। यहाँ का खाना बहुत ही अच्छा है, आप लोग भी कभी ट्राई करना। तो चलिए आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पर ही एंड। आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। अब हम लोग निकल चुके हैं घर के लिए, मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।